हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जनन स्वास्थ्य। बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपने जनन स्वास्थ्य, ठीक है। यानी जनन अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना, जनन अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना, जनन अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना, यानी ये जनन स्वास्थ्य होता है, ठीक है। अपन कहते हैं जनन स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण करता है। WHO कहता है कि आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होते हो, मानसिक रूप से स्वास्थ्य होते हो, व्यवहारिक रूप से स्वास्थ्य होते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे समाज का निर्माण करते हो जो अच्छा समाज होता है। अब अपन जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जनसंख्या विस्फोट और उसका नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट और उसका नियंत्रण आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जनसंख्या विस्फोट और उसका नियंत्रण, ठीक है। आज आप देख रहे हो कि सरकार क्या कर रही है, योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं से क्या होता है, उन योजनाओं से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जनसंख्याएं बढ़ रही है, जनसंख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन एक योजना है जिसका नाम जनन और बाल कल्याण योजना है। जनन एवं बाल कल्याण योजना है, जनन एवं बाल कल्याण योजना, ठीक है, या कार्यक्रम, जनन एवं बाल कल्याण सेवा कार्यक्रम लिख दो, इसका पूरा नाम है। ये योजना है, इसको कहते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोग्राम। इसका पूरा नाम अपन लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोग्राम। ये अपने को ध्यान रखना है, ये एक ऐसा मिशन है जिससे क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो रहा है, यानी इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण हो रहा है। लेकिन ये नियंत्रण इतना नहीं हो रहा है कि आप सोचो कि जनसंख्या एकदम कम हो गई है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जो आपकी बुक पे दे रखे हैं। सबसे पहला आंकड़ा ये है विश्व का, किसका आंकड़ा देते हैं आपको, विश्व का आंकड़ा पेश करते हैं। जो विश्व है 1900 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या आपको बताना बहुत कम थी, 2 अरब के आसपास थी। आज इसकी जनसंख्या बढ़ के क्या हो चुकी है, पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो चुकी है। यानी अपन कहते हैं 2 अरब मान लो, तो अपन 2 अरब से क्या है, 6 अरब हो रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अब भारत का भी इन्होंने आंकड़ा दिया है, ये आपको आंकड़े याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछता है। भारत में आजादी के समय जनसंख्या, भारत जब आजाद हुआ था, आजाद कब हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको थोड़ा बताना है। भारतीय आजादी के समय जनसंख्या 35 करोड़ थी, ठीक है, आज बढ़कर क्या है 2000 के अंदर जनसंख्या 1 अरब हो गई। यानी अपन क्या है, 1 अरब हो गए हैं, 1 अरब विश्व भारत की जनसंख्या हो गई है। अब हर छठा व्यक्ति विश्व का, हर विश्व में जितने व्यक्ति हैं, विश्व में हर छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय है। हर छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय है, ठीक है। यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ठीक है। अब विश्व की जनसंख्या में भारत जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान रखता है, सबसे ज्यादा चीन की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या आपको बताना है 2 नंबर पर है। ये आंकड़े आपको याद रहे तो ठीक है, वरना मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्वेश्चन याद करना आपको इस टॉपिक के अंदर से। अब भारत की जो जनसंख्या है उसके बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बताते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% है, यानी 1.7% का मतलब 1000 व्यक्ति क्या करते हैं प्रति वर्ष 17 बच्चे उत्पन्न करते हैं। यानी 1000 व्यक्ति क्या करते हैं, प्रति वर्ष 17 बच्चे उत्पन्न करते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है आपको। अब जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण करने वाली योजना कौन चलाता है, जनन और बाल सेवा कल्याण संस्थान है वो चलाती है। इसने कुछ कंट्रोल किया है जनसंख्या पर, लेकिन कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, इसी वृद्धि दर से बढ़ती रही, तो अगले 33 वर्षों में जनसंख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी 2 अरब भारत की जनसंख्या हो जाएगी। भारत की जनसंख्या अभी वर्तमान में 1.31 करोड़ के पास चली गई है। हर 1 सेकंड में 1 बच्चा पैदा हो रहा है, तो आप कल्पना करो सेकंड हुआ 1 बच्चा कहीं ना कहीं पैदा हो गया, तो जनसंख्या बहुत तेजी से भारत की बढ़ रही है। अब अपन इस पे क्वेश्चन आता वो आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन आते ही बच्चे सोचते हैं कि क्या सर आज इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया हमको, क्या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये चैप्टर में कुछ टॉपिक शुरू कैसे ही हैं, अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण,
अब जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ, तो मैं आपको चार कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण आपको बताना है मातृ मृत्यु दर, और मातृ मृत्यु दर कम होना, जो मातृ मृत्यु दर है वो कम हो रही है, इस कारण जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण है शिशु मृत्यु दर कम होना, शिशु मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है, इस कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, यानी अपन कहते हैं तीसरा कारण होता है कि औसत आयु में वृद्धि होना, किसमें होना, औसत आयु है उसमें वृद्धि होना, व्यक्ति की, मनुष्य की औसत आयु है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, औसत आयु में वृद्धि का मतलब अपन कह रहे हैं मृत्यु दर कम होना, क्या होना, मृत्यु दर कम होना, ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, मृत्यु दर कम हो रही है। अब सबसे मेन रीजन यही है जनन योग्य या जनन आयु वर्ग का अधिक होना, जनन आयु वर्ग है उसका अधिक होना, जनन आयु वर्ग का क्या होना है, अधिक होना है। आज के टाइम में आप देखोगे आपके समाज के अंदर 18 से लगाकर 40 आयु वर्ग है, इसको जनन आयु वर्ग माना जाता है। ये आयु ऐसी आयु होती है जिसमें कोई भी बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है। 18 से 40 वर्ष की जो जनसंख्या है वो भारत में काफी ज्यादा है, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एज यानी जनन अवस्था, इस अवस्था के व्यक्ति भारत में ज्यादा है, इसलिए क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, आज के समाज के अंदर जो सबसे ज्यादा व्यक्ति है वो ये है। अब जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण तीन समस्याएं आती है, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, अन्न की समस्या आती है, आवास की समस्या आती है, और अपन कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, यानी अपन कहते हैं अन्न की समस्या आ जाएगी, आपके सामने अन्न होगा उसका भंडारण कम होता जाएगा, आवास की समस्या आ जाएगी, और अपन कहते हैं भोजन की व्यवस्था है उसमें कमी आ जाएगी, और भी कई सारी समस्याएं आती हैं वो आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, मैं ना आपको ये समस्याएं कोई नहीं पूछता है, आपको सीधा आपके किस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखो, तो आपको ये बताना है। ठीक है, आप ऐसे मन से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो मातृ मृत्यु दर कम हो रही है, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है यानी जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है, व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाता है ठीक होकर आ जाता है। जैसे कोई 60 साल का बीमार हुआ हॉस्पिटल में 10 दिन रहा, फिर 10 दिन से ग्लूकोज चढ़े, तैयार होकर घर पे आ गया, मरने किसी को नहीं दे रहे हैं, इस कारण ये ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। जनन आयु वर्ग के लोग अधिक है इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अब भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या है तरीके अपनाए, सबसे पहले उन्होंने क्या है परिवार नियोजन की संकल्पना पेश की है, और एक नारा प्रस्तुत किया है हम दो हमारे दो। ठीक है, भारत सरकार कहती है कि हम दो और हमारे क्या होने चाहिए, दो बच्चे होने चाहिए। लेकिन जो घरेलू जो कामकाजी महिलाएं होती हैं या जो समझदार औरतें होती हैं, समझदार परिवार होते हैं, उन्होंने उस नारे को उलट दिया है और कहते हैं हम दो हमारे एक, क्या कहते हैं हम दो हमारे एक, यानी हमें हम दो होंगे और हमारा बच्चा कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उसको क्या कर सके, पालन पोषण कर सके। अब ये परिवार नियोजन के लिए क्या होता है, गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, गर्भ निरोधक साधनों की सहायता से क्या किया जाता है, परिवार नियोजन करवाया जाता है। अब अपन एक अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता, क्या पढ़ेंगे, आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता। अपन आदर्श गर्भ निरोधक है उसकी विशेषता, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता बताइए, जो आदर्श गर्भ निरोधक है उसकी विशेषता बताइए। बच्चों आपको जनन की शादी की आयु तो पता है, लड़की की शादी कितने वर्ष बाद होनी चाहिए, 18 वर्ष, और लड़की की कितने, लड़के की कितने वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना आयु भी, ठीक है, तो इससे पहले शादी नहीं करनी है, बाल विवाह नहीं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी देश की। आदर्श गर्भ निरोधक साधन है, आदर्श गर्भ निरोधक साधन की विशेषता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके मन में सवाल है कि सर हमने तो कभी गर्भ निरोधक है वो देखा ही नहीं है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं गर्भ निरोधक के। सबसे पहले है जैसे अपन कहते हैं कॉन्डोम, क्या है, कॉन्डोम, या जिसको कहते हैं निरोध, ये गर्भ निरोधक साधन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पुरुष के लिए भी उपलब्ध है, महिला की उपलब्ध भी है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा IUD,
इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। इसका नाम आपको बताना पॉपर्टी, इसका एग्जांपल है पॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद शल्य क्रिया, ऑपरेशन करवाती है पुरुष और स्त्रियां, वैस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे साधन है जैसे अपन कहते हैं, और एक सबसे क्वांटम के साथ ही महिलाएं लेती है गर्भ निरोधक गोलियां, क्या लेती है गर्भ निरोधक गोलियां। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है गर्भ निरोधक साधनों के। अब आप मन में सोचो कि सबसे पहले तो सर कह रहे आदर्श गर्भ निरोधक साधन की विशेषता बताइए, हमें गर्भ निरोधक साधन ही नहीं पता है कि बच्चा कैसे ठहरने से रुकना है। तो कॉन्डोम है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, शल्य क्रिया है, ये सब ऐसे तरीके हैं जिसकी सहायता से क्या होता है गर्भ ठहरता नहीं है। अब आदर्श गर्भ निरोधक की सबसे पहली विशेषता ये है, आज जैसे ये बाजार से लेने जाओ तो सबसे पहले तो ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आप जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए, आपको निःशुल्क कॉन्डोम मिल गया, निःशुल्क गर्भ निरोधक गोलियां मिल गई, तो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। सबसे पहले ये विशेषता, दुकान पे लेने गए आपको ये आसानी से मिलना चाहिए। दूसरा, ये सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 1000-2000 का मिले फिर उसके बाद समस्या आ जाती है। तीसरा, ये प्रभावी होना चाहिए, प्रभावी यानी इफेक्टिव होना चाहिए, इस्तेमाल करने के बाद अपना काम करना चाहिए। चौथा, कोई अनुसंगी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई अनुसंगी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई अनुसंगी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्भ निरोधक साधन लिया, जैसे स्त्री गर्भ निरोधक साधन लेती है तो क्या हो जाती है, वो कहती है हम थोड़े हमारे अंदर मोटाई है, मोटापन है, वो बढ़ गया है, यानी अपन कहते हैं शरीर में जो महावारी चक्र है वो बदल गया है, मोटाई थोड़ी अपन कहते हैं थोड़ी वसा का जमाव अधिक होने से स्त्रियां मोटी ज्यादा हो गई हैं, और पुरुषों के अंदर क्या होते हैं साइड इफेक्ट हो जाते हैं, यानी कोई कामोच्छा, जो काम की इच्छा है या मैथुन इच्छा है या अपन कहते हैं कोई दूसरी इच्छा है, उसके ऊपर कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब इस आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता है कि वो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, प्रभावी हो, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं हो, तब उसको माना जाता है कि अपन कहते हैं कामोच्छा, मैथुन की इच्छा, इन इच्छाओं के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करे तो वो आदर्श गर्भ निरोधक होता है, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है आदर्श गर्भ निरोधक साधन की विशेषता बताइए और गर्भ निरोधक के उदाहरण बताइए। गर्भ निरोधक के उदाहरण है, सबसे पहले ये आपको चार एग्जाम्पल बताने, क्या बताने हैं चार एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो बढ़ेंगे उसमें प्राकृतिक जन्म नियंत्रण के तरीके पढ़ेंगे, प्राकृतिक जन्म नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके तरीकों का अपन अध्ययन करेंगे।